हेलो एवरीवन, ये लास्ट वीडियो है वन वर्ड सॉल्यूशन हिंदी के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहला उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाता है? रिक्त कहलाता है। फिर रजोगुण वाला राजसिक, जो रंग का मंच है उसे रंगमंच कहते हैं, जो स्टेज होता है। रात को दिखाई ना देने वाला रोग रतौंधी कहलाता है। जो रथ पर सवार है उसे रथी बोलते हैं। जो राज्य या राजा से द्रोह करे उसे राजद्रोही बोलते हैं। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति कहलाता है। गोपों का घेरा बांधकर नाचने की क्रिया रास कहलाती है। वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए उसे रूपक कहते हैं। जो कोई काव्य होता है उसका अभिनय करते हैं तो उसे रूपक कहते हैं, ठीक है। राजा या राज्य के प्रति किए जाने वाला विद्रोह राजद्रोह कहलाता है। ऊपर वाला रिपीट किया गया है यहाँ पे। जिसकी सूचना राजपत्र में दी गई हो उसे राजपत्रित कहा जाता है। अब ला से देख लेते हैं। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो उसे लखपति। बच्चों को सुलाने के लिए लिए गया जाने वाला गीत, मतलब सुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे लोरी बोला जाता है। जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो उसे लब्ध प्रतिष्ठ बोला जाता है। पाने की इच्छा लिप्सा कहलाती है। काफ़ी पूछा जाता है ये लिप्सा। जो भूमि का हिसाब किताब रखता है उसे लेखपाल कहते हैं। और जो आय व्यय लेन देन का लेखा रखने वाला लेखाकार। जो आसानी से पछता है उसे लघुपाक कहते हैं। और वह से देख लेते हैं। जिस पर विश्वास किया गया हो उसे विश्वसनीय। बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल कहलाता है। जिसकी पत्नी जीवित ना हो उसे विधुर कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्निक बोलते हैं। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी कहलाता है। जो व्याकरण जानता हो उसे व्याकरण बोला जाता है। विष्णु का उपासक वैष्णव कहलाते हैं। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो उसे वातानुकूलित या फिर एसी इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता बोला जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ण से परे वर्णातीत बोला जाता है। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर बोला जाता है। किसी विषय की पूरी छानबीन करना विवेचन कहलाता है। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो उसे वैवाहिक बोला जाता है। फिर है वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पत्याहारी बोला जाता है। जो पूर्ण रूप से बहरा हो उसे वज्र बधिर बोला जाता है। जिसके हाथ में वीणा हो उसे वीणा पाणी बोला जाता है। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच का समय वह संधि कहलाती है। जो मुकदमा दायर करता हो उसे वादी या फिर उसे मुद्दई बोला जाता है। जो कोई वस्तु वहन करता है उसे वाहक कहते हैं। बिक्री करने वाला विक्रेता। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता हो उसे विधर्मी बोला जाता है। जो विश्वभर का बंधु हो उसे विश्व बंधु बोला जाता है। बोलने की इच्छा विवाक्षा कहलाती है। विश्व का पर्यटन करने वाला उसे विश्व पर्यटक बोला जाता है। प्रतिकूल पक्ष का विपक्षी कहलाता है। जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे विश्वासघाती बोला जाता है। जिस पर विश्वास किया गया हो उसे विश्वस्त बोला जाता है। जो विश्व का हित चाहता हो उसे विश्व हितैषी बोला जाता है। कानून के द्वारा प्राप्त विधि प्रदत्त बोला जाता है। बिजली की तरह कांति वाला तो उसे विद्युत प्रभ बोला जाता है। जिसमें किसी प्रकार का विकार हो उसे विकृत। जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो उसे दिव्यांग या फिर विकलांग बोला जाता है। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ कहला जाता है। जिसके विषय में विवाद हो उसे विवादास्पद बोला जाता है। जो विज्ञान का ज्ञाता हो उसे वैज्ञानिक। वेतन पर काम करने वाला वैतनिक। जो कानून के अनुसार हो उसे वैध। विष्णु का भक्त या विष्णु संबंधी वैष्णव कहलाते हैं ये लोग। फिर नेक्स्ट है सौष्य। जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत बोला जाता है। आप लोग कमेंट में शाश्वत की विलोम बताएं, शाश्वत का विलोम क्या होता है। जिसके हाथ में शूल हो उसे शूल पाणी बोला जाता है। 100 वर्षों का समय शताब्दी कहलाता है। वह जिसका शोषण किया जाए शोषित। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए शीर्षस्थ कहलाता है। जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो उसे संकालू बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है शत्रु का नाश करने वाला शत्रुघ्न कहलाता है। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं उसे शमशान कहते हैं। 100 में 100 उसे 100% बोला जाता है।
फिर सोने का आगार या फिर कमरा, उसे स्यानागार बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है शरण में आया हुआ शरणागत, इसको लिखते हुए भी चलें आप लोग, देखिए स्यानागार जो लिखा हुआ है किस तरीके से इसमें आका जो आ की मात्राएँ हैं वो गा में भी हैं ना में भी है, क्योंकि वहाँ पर आपको एरर भी आएंगी, स्पेलिंग एरर भी होंगी और सेंटेंस एरर भी होंगी, तो इसको लिखते हुए भी चलें जिससे कि आपको पता चले। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कुछ वर्ड आ रहा है, जैसे मैं एग्जाम्पल में लेता हूँ विवादास्पद, तो विवादास्पद होता है, कई बच्चे लिखते हैं विवादास्पद, द पे आ की मात्रा नहीं लिखते हैं तो वो गलत हो जाता है, तो इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। लिखते हुए चलें उस लाइन को, मतलब या फिर उस वर्ड को, जिससे कि आपको वहाँ पे अगर ये मिलता है कि आपको इसमें से एरर ढूंढो तो आप आसानी से उसे आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है जो शक्ति का उपासक हो उसे साक्त बोलते हैं, एक्चुअली लास्ट रह गया था, शरण में आया हुआ शरणागत होता है, जो शक्ति का उपासक उसे साक्त, जो शास्त्र को जानता है उसे शास्त्रज्ञ बोला जाता है, सिर पर धारण करने योग्य शिरोधार्य बोला जाता है, जो तेज चलता हो उसे शीघ्रगामी बोला जाता है, जो विश्व की उपासना करता है उसे शैव्य बोलते हैं, जो सुनने योग्य हो उसे श्रवणीय या फिर श्रोतव्य बोला जाता है, जो सुनने में कटु लगे श्रुति कटु बोला जाता है, फिर सौ से छः काण वाली आकृति, कोण वाली जो आकृति होती है षटकोण बोली जाती है, छः छः महीनों पर होने वाला षाढ़मासिक या छः मूल मुँह वाला उसे षडानन या षडमुख बोला जाता है, फिर 16 वर्ष की लड़की सोरसी, फिर नेक्स्ट है सौ से जो सबको समान रूप से देखता हो उसे समदर्शी, जो स्मरण करने योग्य हो स्मरणीय, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सहज या फिर सुलभ, साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक, समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण, अनेक युगों से चले आने वाला सनातन, जो संसार का संहार करता हो उसे सहारक, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे स्थानापत्र बोलते हैं, जहाँ सेना रहती है उसे सैन्यवास बोला जाता है, बाएं हाथ से काम करने वाला डेबरा या समय साची बोला जाता है, इसको इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदाव्रत कहलाती है, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है, मतलब उनकी हेल्प के लिए दिया जाता है, उसे सहायकी बोला जाता है, अच्छी आंखों वाली स्त्री सुनैना, अपनी इच्छा से आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी, एक माँ के पेट से उत्पन्न सहोदर कहलाते हैं जो ब्रदर होते हैं, स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू, सबके समान अधिकार पर विश्वास, समाजवाद, किसी बात को करने का निश्चय संकल्प कहलाता है, जो कि आप लोगों में होना चाहिए आरआरबी अगर क्लियर करना है तो, समय की दृष्टि से अनुकूल समयानुकूल होता है, हवन में जलाने वाली लकड़ी समीधा कहलाती है, अपने मत को मानने वाला स्वमत्ता ओलंबी कहलाता है, जो हमेशा रहने वाला हो उसे स्थाई, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, मतलब जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव बोला जाता है, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ बोला जाता है, जो लिखना पढ़ना जानता हो उसे साक्षर और जो नहीं जानता उसे निरक्षर बोला जाता है, बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य स्मरणीय, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, ये इम्पॉर्टेंट है, जहाँ खाना मुफ्त से मिलता है उसे लंगर बोलते हैं या सदाव्रत बोलते हैं, संदेश ले जाने वाला संदेशवाहक, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सदवा, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है, एक ही जाति का सजातीय, जहाँ अनेक नदियों का संगम हो उसे संगम कहा जाता है, मिलन हो मतलब, जो संगीत जानता उसे संगीतज्ञ, सड़ी हुई वस्तु की गंध सड़ाद कहलाती है, जिसमें 7 रंग हो उसे सतरंगा बोलते हैं, अपने परिवार के साथ है जो उसे सपरिवार, जो किसी सभा का सदस्य हो उसे सभासद, जो नाटक का सूत्र धारण करता हो उसे सूत्रधार कहते हैं, जो सरलता से बौद्ध हो उसे सुबोध कहा जाता है, सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी कहलाता है, सत्य के प्रति आग्रह सत्याग्रह कहलाती है, जो लोग भाग लेते हैं, वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ हो उसे सपत्निक बोला जाता है, इसी तरीके से पति के लिए भी आ सकता है, जो स्त्री जो पति के साथ रहती है, एक ही समय में वर्तमान समसामयिक बोला जाता है, प्राणों पर संकट लाने वाला उसे सांघातिक बोला जाते हैं, इसकी स्पेलिंग जरूर देख लेना, सांघातिक होता है ये,
जिसका कोई आकार हो उसे साकार बोलते हैं। सब लोगों से संबंध रखने वाला सार्वजनिक, एक सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, सरस्वती का भक्त या फिर सरस्वती से संबंध रखने वाला सारस्वत कहलाता है। सब कालों में होने वाला सार्वकालिक, सब देशों से संबंध सार्वदेशिक, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौतिक कहलाता है। सुंदर हृदय वाला सुहृदय किसी काम में दूसरों से बढ़ने की इच्छा स्पर्धा कहलाती है, जो आप लोगों में होनी चाहिए। अपना हित चाहने वाला स्वार्थी, जो स्वयं ही सिद्ध कहलाता है। दूसरों के स्थान पर काम करने वाला स्थानापन, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने वाला स्थानांतरण कहलाता है। अब अपने ही बल पर निर्भर रहने वाला स्वावलंबी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्र उत्तर, ये उत्तर लास्ट में लग जाता है, किसी भी चीज़ से स्नातक करते हो तो स्नातक उत्तर हो जाता है, ठीक है, उसके बाद का समय उत्तर कहलाता है, ठीक है। समय से संबंधित सामयिक, जिसके आँखें सुंदर हो उसे सुलोचन, या फिर जिसके लोचन सुंदर हो तो उसे सुलोचन बोलेंगे। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे सुपाठ्य, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला उसे हौदा बोला जाता है। मिठाई बनाकर बेचने वाला व्यक्ति हलवाई, हाथ का लिखा हुआ हस्तलिखित, दूसरे के हाथ में गया हुआ हस्तांतरित, हृदय को विदीर्ण करने वाला हृदय विदारक, मतलब बिल्कुल हृदय को दुखी कर दे उसे हृदय विदारक बोला जाता है। हंस के समान सुंदर मंद गति से चलने वाली स्त्री हंस गामिनी कहलाती है। स्त्री से जितने भी संबंधित है, चाहे वो सधवा हो या विधवा हो या सुनैना हो जिसकी आँखें सुंदर हो, इस टाइप से जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट होते हैं, आप जरूर कर लेना। और पूस में पड़ने वाली ऋतु हेमंत कहलाती है। जो दूसरे की हत्या करता हो उसे हत्यारा कहते हैं। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई पड़े उसे क्षितिज कहते हैं। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्षेपक कहलाता है। क्षमा पाने योग्य क्षम्य कहलाता है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे छी प्रहस्त बोलते हैं। भूख से व्याकुल छुक्षातुर कहलाता है। तीन कालों की बात जानने वाला उसे त्रिकालज्ञ बोला जाता है, ठीक है। भूख से व्याकुल वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना। छुधातुर होता है ये। फिर है तीनों कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी बोला जाता है। भौहों के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी कहलाता है। दैहिक दैविक और व भौतिक ताप या कष्ट त्रिताप कहलाता है। आंवला हर व बहेड़ा का मिश्रण त्रिफला कहलाता है। तीन वेदों को जानने वाला त्रिवेदी कहलाता है। जो तीन गुणों से परे हो उसे त्रिगुणातीत बोलते हैं। जहाँ पे तीत का आ जाए या अतीत आ जाए वहाँ से परे वाली बात आप समझ लेना। तीन युगों में होने वाला त्रियोगी कहलाता है। तीन नदियों का संगम त्रिवेणी कहलाता है। आप कमेंट में बताइए कि त्रिवेणी, ये तीन नदियों का संगम कहाँ पे है, उस जगह का नाम बताइए। फिर है तीन लोकों का समूह त्रिभुवन या फिर त्रिलोक कहलाता है। शीतल मंद व सुगंधित वायु को त्रिविध वायु कहते हैं। और लास्ट जो है ज्ञ, यहाँ से दो हैं, जिसे जानना चाहिए उसे ज्ञातव्य बोलते हैं। ज्ञान देने वाला ज्ञानदा कहलाता है, ठीक है। तो ये पूरा आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। हालांकि इसके अलावा भी आपको पढ़ना है, लेकिन ये सीरीज में जितनी मैंने बताई है आपको सभी कर लेना है अगर आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं। इसी तरीके से मैंने दूसरी लिस्ट बना रखी है हिंदी के लिए, चाहे फिर इंग्लिश के लिए, या फिर आप कुछ स्टेनो वगैरह भी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। तो इस चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।